नमस्कार, यूएनसी एक में आपका स्वागत है। मैं पूनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। ब्यावरा राजगढ़ से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। चोरी की दो मोटरसाइकिल सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। इस रही यूवीएन 08 ताजा खबरों के साथ, बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल की मदद से वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की दो मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल के माध्यम से वाहनों की पता राशि कर वाहन चोरों पर अंकुश लगाने हेतु जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के निर्देशन में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले में जारी अभियान के चलते थाना लीमा चौहान में थाना प्रभारी थाना उमा शंकर मुकाती द्वारा कस्बा लीमा चौहान व क्षेत्र के लगातार वाहन चेकिंग कराई जा रही। चेकिंग के दौरान वाहनों को व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल पर सर्च कर तस्दीक की जाती है। सर, ये गाड़ी की चोरी की पकड़ाई गई है, उसमें क्या मामला है सर? ये कल शाम को भैंसवा रोड पर स्टाफ पर वाहन चेकिंग पर था, जिसमें अमित त्यागी और स्टाफ किया है। एक संदिग्ध वाहन को वीडियो पोर्टल पर चेक करने पर आरोपी वाहन संदिग्ध होने से उसको जब चेक किया गया, पूछने पर उसके द्वारा वाहन चोरी का होना बताया, जिस पर से वाहन जब्त कर दिया गया, जिसने एक वाहन और चोरी का इसके घर से जब्त किया गया है। आरोपी रामसेन तथा भैरव सिंह जामत पकानी गाँव का रहने वाला है, जिसके द्वारा निवास के पास से मोटरसाइकिल चोरी करना बताया, जो दो मोटरसाइकिल है जब्त की गई है, जिसको आज पुलिस रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है। देखते रहिए यूवीएन 08 ताजा खबरों के लिए, बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। आज सुबह 4:30 बजे देहात थाना पुलिस बल द्वारा एवं मां वैष्णो देवी को चिकित्सा केंद्र गौ सेवा बजरंग दल, जिला गौरक्षा प्रमुख शैलेंद्र सिंह, नारुका जिला सह गौरक्षा प्रमुख बिट्टू पंडित, प्रशांत गावली, भानु प्रताप सिंह तोमर, आर्यन जोगी, ईलूदांगी मोनू कलावत ने गाय से भरा कंटेनर पकड़ा, जिसमें 50 गौवंश को पकड़ा गया, सुरक्षित मां वैष्णो देवी गौशाला में रखा गया।